Hello everyone, today we are going to study science 8th class chapter that is metals and nonmetals. So, let's see the topic which we are going to study in this chapter. First one is element that is metals and non metals. Second one is characteristic of metals and non metals and metalloids. Third one is physical properties of metals and non metals. Fourth one is chemical properties of metals and non metals. And last one is uses of metals and non metals. So, let's start the topic. फर्स्ट वन इज एलिमेंट एलिमेंट हम किसको बोलेंगे एलिमेंट को हम हिंदी में तत्व भी बोलते हैं अब इसकी डेफिनेशन देखिए ए सबस्टांस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू सिंपलर सब्सटांस बाय केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन लाइक हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज कोल्ड एलिमेंट कि वो सब्स्टांस जिनको हम केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से किसी भी सिंपलर सब्स्टांस में हम नहीं तोड़ पाए उन्हीं को हम क्या बोलेंगे एलिमेंट बोलेंगे अब हम इनको क्यों नहीं तोड़ सकते बिकॉज एलिमेंट आर कि जो एलिमेंट होते हैं वो खुद ही एक बहुत ही सिंपल सब्सटांस होते हैं अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन इज एन एलिमेंट इट कैन नॉट ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल सबस्टांस एक आयरन क्या है एक एलिमेंट ही है तत्व तो है जिसको हम और भी सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं अब अब चाहे हम इसके कितने भी पीसेस कर दें ये क्या रहेगा आयरन ही रहेगा अब देखिए एन एलिमेंट मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स के जो एलिमेंट होता है वो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ होता है अभी एटम क्या होते हैं एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंबाइन होकर क्या बनाते हैं एलिमेंट बनाते हैं अब देखिए जो हमारे नेचर में हैं 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं अब उन एलिमेंट्स को किन में डिवाइड किया है एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स दैट इज फर्स्ट वन इज मेटल जिसको हम धातु बोलते हैं सेकंड वन इज़ नॉन मेटल जिसको हम क्या बोलते हैं अधातु तो बोलते हैं अब इनको किन के, कि के बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया है कि ये मेटल्स है ये नॉन मेटल्स है इनकी प्रॉपर्टी मीन्स इनकी गुण के बेस के ऊपर इनको क्या किया है डिवाइड किया गया है कि ये ये एलिमेंट मेटल है और ये एलिमेंट क्या है नॉन मेटल है अब देखिए कुछ हम मेटल्स के और नॉन मेटल्स के बारे में जानने से पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं कि उनका मतलब क्या होता है देन फर्स्ट वन इज़ मैलिएबल मैलिएबल को हिंदी में नर्व भी बोलते हैं विच कैन बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म थिंस कि जिसको हम हैमर से पीट सकते हैं और उसको एक पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं उस उस प्रॉपर्टी को क्या बोला है मैलिएबल या फिर मैलिएबिलिटी अब देखिए सेकेंड वन इज डक्टाइल डक्टाइल को हम कोमल भी बोलते हैं विच कैन बी स्ट्रेच टू फॉर्म ए थिन वायर कि हम वो एलिमेंट जिसको हम स्ट्रेच मीन्स जिसको हम खींच कर क्या कर सकें वायर में कन्वर्ट कर सकें मीन्स एक पतले तार में कन्वर्ट कर सकें उस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला है डक्टाइल बोला है अब देखिए थर्ड वन इज़ ब्रिटन ब्रिटेन को हम नाजुक भी बोलते हैं मीन जो ईजिली टूट जाए विच ब्रेक इन टू पीसीज हैमरिंग कि हम अगर उसके हैमर हैमर से अगर हम तोड़ेंगे तो वो ईजिली दो पीसेस में या फिर काफ़ी सारे पीसेज में क्या हो जाएगी टूट जाएगी अब लस्टर्स का मतलब क्या होता है लस्टर्स का मतलब होता है चमक या फिर साइनी अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स की मेटल्स के क्या करैक्टर क्या गुण होते हैं कि हमने उनको मेटल बोला है मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल एलिमेंट के क्या होते हैं मेलिएबल भी होते हैं और ये डक्टाइल भी होते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होते हैं कि ये ईजिली अपने अंदर से क्या पास कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास होने देते हैं इसलिए हम इनको क्या बोला है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए आयरन कॉपर जिंक सिल्वर गोल्ड एक्सेट्रा अब अगर हम टोटल जो 92 एलिमेंट हैं उनमें से कितने एलिमेंट जो मेटल्स हैं दैट इज 70 एलिमेंट्स आर मेटल्स अब देखिए करैक्ट्रिस्टिक ऑफ नॉन मेटल्स के नॉन मेटल्स के क्या क्या करैक्टर होते हैं दीज आर नाइ दर मेलिएबल नो डेक्टाइल दीज आर ब्रिटल कि ये तो ना ही तो मेलिएबल होते हैं ना ही डेक्टाइल होते हैं ये क्या होते हैं ब्रिटल मतलब ईजी से क्या हो जाते हैं दो पीसेज में टूट जाते हैं नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती हैं अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं एग्जाम्पल कार्बन सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रोमिन एक्सेट्रा अब जो जो टोटल 92 एलिमेंट है उनमें से क्या हैं नॉन क्या है, है. जिसमें से 22 में से 10 क्या है सॉलिड है और वन एलिमेंट क्या है लिक्विड स्टेट में दैट इज ब्रोमिन एंड जो इलेवन जो है नॉन मेटल वो किस फॉर्म में है गैसेज फॉर्म में अब देखिए मेटेल किन को बोलते हैं द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या है इनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती हैं कि नहीं तो वो मेटल्स होती हैं ना ही वो नॉन मेटल्स होती हैं उनके बीच की प्रॉपर्टी होती हैं दीज आर सेमी कंडक्टर मीन्स ये क्या है सेमी कंडक्टर मीन्स कंडक्ट स्मॉल एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं कंडक्ट कर सकते हैं अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज सिलीकोन जर्मेनियम आशनिक एक्सेट्रा ये आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन था आपके चैप्टर के बारे में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल शेयर इट एंड लाइक इट